ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा, उत्तराखंड से। देखिए, गुरु जी कृपा से मुझे 2 साल पहले एक पौधे का पता चला था और मैंने इसे ग्रुपों में भी डाला तो लोगों ने इसे नकार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका उपयोग है और ये पारा बंधन में कार्य करता है। पारा मुझे देखिए, मैं तो किमी अगर मैं हूँ नहीं, 0% हूँ, लेकिन वनस्पतियों के सर्च करने में लगा पड़ा हूँ। तो इसमें देखिए, एक चीज़ आती है 3 पात की रूखड़ी। सीधी सी बात, ज़्यादा इधर उधर घुमाऊँ, 3 पात की रूखड़ी मिले तो पारा कंचन होए, ये कहावत है। लेकिन इस पर बड़ा मतभेद है कि 3 पात की रूखड़ी कहते किसे हैं, क्योंकि 3 पत्ते वाली कोई चंगेरी बोलता है। अभी कल एक ग्रुप में इसको डाला था, इसको, ये गुलाब टाइप का होता है तो इसको बोला था कुंजी, या ये जंगली कुंज है, ये तो इसको बोल रहे थे ये रूखड़ी है 3 पात की। देखिए, इसमें 3 पात तो है ही नहीं, 7 पात है। तो 3 पात की रूखड़ी मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, 3 पात की रूखड़ी मेरे पास है और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसका इससे क्या है कि इससे इसका असली नाम, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में चाहे उधर है, तो रक्त बिराड़, रक्त को बढ़ाने वाला। इसके अंदर तांबा पाया जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, मेरे पे कोई वो टेक्निकल या लैब की रिपोर्ट नहीं है, जो प्रचलन में वो बता रहे हैं हम लोग, जो हमें संत महात्मा लोग बताते हैं। और इसकी पहचान हमें श्री राकेश गिरिजी महाराज, जो कैथल से हैं और नागासाधु, उन्होंने बताई थी। हरिद्वार में मिले थे हम, परमानंद निकेतन में। तो उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोटो खींच के भेजा था, तो बताया था गुरु जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो कि ये काम की बूटी मिली। लेकिन ये पता नहीं था किस उपयोग होता। उन्होंने कहा था ये बस पारा शोधित वोधित करने में काम आता है। अब मैं बताऊंगा, देखिए, 3 पात की रूखड़ी, आपने 3 पत्ते देख लिए, रूखड़ी मतलब रूखापन, ये देखिए, आवाज़ भी आप करो, इसमें बहुत रूखापन है, कोई चिकनापन नहीं है पत्ते में। और मुझे रूखड़ी का भी वैसे शाब्दिक अर्थ नहीं पता क्या। देखिए इसकी, इसमें देखिए, इसको बोला जाता है कि इसको अगर हम उबाल दें तो इससे पत्ते तने से एकदम लाल रंग का पानी होगा, मतलब चाय की तरह कलर आ जाएगा लाल रंग। अभी देखना है, मैंने कभी उपयोग नहीं करा, लेकिन जड़ इसकी लाल है, आप खुद देख सकते हैं। यह 3 पात की रूखड़ी। और मुझे उम्मीद है कि अब जो हमारे वैद्यराज लोग हैं या कीमियागर लोग हैं, तो वो इस बात को मानेंगे कि 3 पात की रूखड़ी यही है। और इसके पौधे, इस साल का मेरा टारगेट रहेगा इसके पौधे तैयार करने का बरसात में। अभी तो ये, और ये बहुवर्षीय पौधा है। आपको एक चीज़ और बता दूँ मजे का, कि बहुवर्षीय झाड़ है, एक तरीके का झाड़ होता है। देखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 10 फीट तक जाता है बस, और ऊपर के तना है, लकड़ी काटने वाले चाहे जानवर तोड़ देते हैं, फिर नीचे से निकलता है। तो ये 3 पात की रूखड़ी। तो अगर मैं गलत हूँ तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर सही हूँ तो भी बताइएगा, और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सारी चीज़ें बताइएगा, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँच सके। और देखिए, छिपाना कुछ नहीं है, लेकिन दोहन भी नहीं करना, हमने अंधाधुंध किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है। और इसको मैं तो कहूँगा अपने गमले में या घर में लगाएं, पौधे में अवेलेबल कराऊँगा, अभी जुलाई अगस्त तक तैयार होंगे, तो अगले सीजन में आप लोगों को इसके पौधे देने की पूरी भरकस प्रयास करूंगा कि इसके पौधे मिले, क्योंकि इसमें बीज आते हैं, मैंने देख रखे हैं बीज। कोई चिंता वाली बात नहीं कि तैयार नहीं होगा, हो जाएगा, प्रकृति माता की कृपा मिल रही। तो इसी के साथ ही देखिए, जितनी मैं बहुत बड़ा खोज करता है, बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, जितनी जानकारी मुझे मिली उतना मैंने आप लोगों को बताया। इसमें गुरु जी श्री राकेश गिरिजी महाराज जी का बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवाद करूँगा। और भीखम लाल गुप्ता जी, जो कि छत्तीसगढ़ से ही हैं, और क्योंकि उन्होंने मुझे इसकी वास्तविकता पहचान कराने मेरी पूरी हेल्प करी रक्त बिराड़ के रूप में, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी आभार। और मैं क्या, सभी लोग उनके आभारी रहेंगे कि इतने पौधे की जानकारी मिली और हमें वो मिला कि किसी बीमारी को दूर भी कर सकते हैं, ये 2 काम है इसके। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लूँगा, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।